आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम गर्मी में इन पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये पौधे गर्मी की वजह से, गर्म हवा से इनके पत्ते भी गिरे जा रहे हैं, सूख भी रहे हैं और मुरझा जाते हैं, तो इनको किस तरह से हम ठीक करके रख सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरे पेड़ हैं, ये इस पेड़ में कितने फल भी लगे हुए हैं और इसके पत्ते सारे गर्मी के कारण झड़ गए। ये सुबह तक ठीक था, अब इस समय आकर देखा है तो ये पत्ते पूरे झड़ गए। ये भी फूल वगैरह सब ऐसे थे ऊपर और ये मुरझाए जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए आज हम कार्य करेंगे। ये देखिए, ये मेरा कोकोपीट है, इसको मैंने तोड़ के ये पानी में भिगो के रखा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको पानी में भिगो लेते हैं और ये सॉफ्ट हो जाता है और ये बहुत हल्का होता है। इससे अगर हम इन पौधों को इस तरह से कवर कर देंगे तो इसमें जल्दी से पानी रुका रहेगा और पेड़ की पत्तियाँ नहीं झड़ेंगी। इस तरह से हम इनको कवर करके पानी दिया करेंगे। एक तरीका तो यही होता है कि हम कोकोपीट से इनको कवर करें। दूसरा, ये हमारे पास पत्ते हैं, पेड़ों के पत्ते जो बेकार कर पेड़ों के पत्ते हो गए वो खिल भी चुके हैं फूल और उनके पत्तियाँ, इनको हम इससे मल्चिंग कर देंगे, पेड़ों को पूरा ढक देंगे, इस तरह से डर देंगे। ये पत्ते लगाने से इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी और पानी अंदर रुका रहेगा तो ये इतने ज़्यादा मुरझाएंगे नहीं। इसी तरह से हम ये बड़े प्लांट्स भी हैं, ये मेरा बोगनवेला का प्लांट है, इसमें भी हम मल्चिंग कर देंगे। इस तरह से मल्चिंग करेंगे तो इसमें पानी थोड़ी देर ज़्यादा रुकेगा और इसकी हरियाली बनी रहेगी। और आजकल हम जो केमिकल वाली खाद होती है वो हमें नहीं डालना चाहिए, तो हमने उसके लिए ये गोबर की खाद ली है। इसको हम पानी में भिगो देंगे, थोड़े से पानी में ये गोबर की खाद हम ऐसे डाल देंगे। जैसे एक लीटर एक किलो के करीब ये गोबर की खाद इसमें हम डाल देंगे। ये हम गोबर की खाद डाल दी हमने। अब हम इसमें ये नीम खली है, ये देखिए नीम खली, इसको हम इसमें जितना हमने ये गोबर की खाद डाली है उसके आधा के करीब डाल लेंगे। अब हम इसमें से जितनी वो डाली है उसकी आधी ये नीम खली डालेंगे। ये देखिए, ये हमने नीम खली डाल दी है। इसको हम अब इस तरह से करने के बाद और इसमें हम ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर है, इसको भी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमारी चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगेंगी। इसको डाल के अब हम एक बार इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। इस तरह से हम इसको हिला के 3 दिन तक इसको छाया में रख देंगे ढक के, और प्रतिदिन इसको 1-2 बार इसी तरह से इसको हिलाते रहेंगे। और इसका जो पानी होगा जब ये तैयार हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, तो इस पानी को इससे 4 गुना इसमें और मिला के उसको हम पेड़ों में डालेंगे तो हमारे पौधों में उतना गर्मी का असर नहीं होगा और ना ही कीड़े लगेंगे और ना पत्ते झड़ेंगे, इस तरह से। और हमने ये देखिए, ये मैंने प्याज बोई थी, ये प्याज की डंडियां हैं और ये इसका फूल है, ये ऐसे लगे हुए थे,
आज ही मैंने इनको तोड़ा है क्योंकि ये सूख गए थे। इन डंडियों को तो हम तोड़ के अपनी इस खाद में मिला देंगे, खाद में मिला के हम पेड़ों में डाल देंगे। और इसको देखिए, ये हम जब यूँ मलेंगे, ये देखिए, ये प्याज का बीज, इसको हम लोग कलौंजी बोलते हैं, जिसको मसाले में इस्तेमाल किया जाता है। ये काला दाना जो आप देख रहे हैं, ये कलौंजी है, इसको हम मसाले में यूज़ करते हैं। इस तरह से हम प्याज जब बोते हैं तो इसका बीज जो है, ये हम अचार में और नान वगैरह बनाते हैं उसमें ये कलौंजी इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए, ये प्याज के बीज हैं और इनको सूखने के बाद हम इस तरह से मल लेते हैं, और ये जो काले काले दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कलौंजी कहते हैं, काला जीरा भी बोला जाता है। ये कलौंजी जो है अचार में और नान वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हम अपने घर में मसाले भी उगा सकते हैं, जीरा है, सौंफ है, इन चीज़ों को, मेथी है और प्याज है, इन चीज़ों को बो के हम अपने मसाले भी घर में ही तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और थैंक यू। आगे और भी मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें लेके आऊँगी आपके लिए, जो मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधे और अच्छे होते जाएंगे। थैंक यू।